कब की आई पड़ी है? परसों की आई पड़ी थी। ये देखो मैंने बताता अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह शुक्र हम सब भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, जल्दी से कर लें और बेल का आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। माशाल्लाह जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खेत खलिहान में मैं आया हुआ हूँ, ये देख लें जी माशाल्लाह। अच्छा, तो कल की वीडियो में ना हम यहीं पर आए थे, अगर आपने देखी, अगर नहीं देखे तो भाई जाके देख लो। अच्छा, यहीं पर आए हुए थे तो यहाँ पर बड़ा पुरसकून माहौल होता है और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा भाई, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से तो पहचान ली होगी कि वीडियो कैसी होने वाली है, तो भाई बताता चलूं कि हमारी पिन जो है ना आ गई है फाइनली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि हमारी जो पिन है ना तो वो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई, आप सबकी दुआओं और आप सबकी सपोर्ट की वजह से, और हमने भी कुछ मेहनत की थोड़ी बहुत जो भी होती है हमसे, तो माशाल्लाह भाई हमारी पिन तो आ गई है। लेकिन अभी मैंने ना घर वालों को बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि कल नहीं शायद परसों पिन आई थी और मैं जनाब डाकी के पास गया, मैंने मिन्नत तवाज़ो की, मैंने कहा भाई जान इतने दिन हो गए साड़ी पिन नहीं आ रही, तो सलूका कितने बैठे हुए हैं। तो मैंने वहाँ पर चेक किया तो पिन भाई आई पड़ी थी, तो भाई मैं उठा के तो आ गया हूँ, लेकिन अभी घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए ना मैं यहाँ पर आ गया हूँ ताकि यहाँ पर ना कुछ गपशप भी लगा लें ताकि उनको ना मालूम ना पड़ जाए। तो अभी पिन तो भाई आई पड़ी है, तो अभी जाते हैं घर में और उनको एक ऐसे समझ लें कि सरप्राइज़ की तरह हमने पिन देनी है, ठीक है ना। और आपने भी वीडियो को लाजमी देखना है क्योंकि ना अभी उनको मालूम नहीं बिल्कुल कि पिन आई हुई है, तो अभी उनको भी दिखाते हैं और आपको भी जा कर दिखाएँगे। ये देखें जी, अभी मैं जा रहा हूँ घर में, ये देखो भाई ये रास्ता है भाई, ये देहातों में ना ऐसे रास्ते होते हैं और इन पे चलने का बड़ा ही मज़ा आता है। अभी तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं घर जाऊं और जाके उनको पिन दिखाऊं और आपको भी, अभी यहाँ पे बड़ा सुकून आता है, बड़ा मज़ा आता है बंदे को, आप देख सकते हैं। ये देखे भाई, अगर आप भाई शहरी लोग हैं ना और शहरों में रह रह के तंग हो गए तो आएँ भाई गाँव में, आएँ घूमें फिरें मज़े करें, बड़ा ही सुकून है यहाँ पर। अभी यहाँ पे ना चलने बड़ी मुश्किल हो रही है, वीडियो बना रहा हूँ और साथ में चलो चलो चलो। ये देखें भाई, अभी 2 बजने वाले हैं और गांव के लोग ना पांदा शांदा करके, यानी कि गन्ने का जो होता है ऊपर पांदा इसे हम कहते हैं, तो ये करके जा रहे हैं। ये देखो भाई, इन बकरे ने जलील किया हुआ है। असल में हमारे घर में पौधे शौधे लगे हुए हैं तो ये आ जाती हैं, दरवाज़ा खुला है ना इसलिए। घर तो हम पहुंच चुके हैं, ये देख लो सब लोग फिर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इधर से आए भाई इधर, हाँ यहाँ पे थोड़े चिट्टे चिट्टे लग रहे हैं यहाँ पे। वालेकुम सलाम, हूँ देने आते हैं। हाँ भाई, अम्मी जान ना अब कुछ बेहतर हुई हैं? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह पाक दा। हाँ जी, जो अम्मी जान का एक अनार पड़ा था ना उनमें से बच गया था। हाँ। तो भाई मैंने कहा मैं खुद खा लेती हूँ। हाँ खा ले, मेरे दाने तो अभी निकलते ही, सफाया दाने तो ये नहीं रहते, ये तो निकलते अंदर से रेड रेड रहे हैं ये देखे। अच्छा भाई, यहाँ पर अम्मी जान मैं कल गए थे ना हम लोग खेतों में, तो आज भी मैं वहीं गया था, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था आने को। तो सही है ना, तेंदा से है भाई, उते बड़ा बड़ा फ्रेश हो वइंदा है सब। अब जेड़ा है ना हुन तोड़ा मोन दिल बणया खलोते, मेरा मोन दिल बणया। चलो आपने नहीं बताना था, साग रूं खोले हम सांज लाप पिया था ते पकावना था, मैंने अन्ना कोई नहीं, चलो कर सा कोशिश होई पकी सा। साग की कोशिश भी करेंगे, नहीं YouTube पे किसी का देख लेंगे साग पकने, नहीं पकड़ा था, चलो तरीका तो अमदा है ते मिसाल ले ओ मदिया मरिंदा ना मेरे हाथ जेड़े ना सारे जलन आंदी मैंने ना यरकान ते ज्यादा गर्माश मेनू नहीं अच्छी लगी। चलें फिर किसी से बनवा लेंगे,
साग वाली कोई बात है, फिर मैं मेहनत कर दूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा कभी कभी पकाए थे रब मदी मैंने मार देंदा है। अच्छा वो उसकी टेंशन ना लेना। हां ओ अल्लाह खैर करे तू मार दे मैं। हां जी हां जी। देखी देव देखे तें तू वाग गया मैं दस। मैं तो बस वैसे फिर एंटरन गया मैं। कल हम गए थे तो बड़ा मजा आया था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज माउंट फेटोर आविए। जब शहर से निकल गई मैं दस आई नहीं है। असल में मम्मी जान कहां में मसरूफ है ना, कोई कपड़े एक दो आए पड़े हैं सिलाई करने के। मैंने एक कमीज एक फोन किया मैं कब देने आ शाम में। तो मैंने सोचा भाई चलो अकेले अकेले घूम के आते हैं। चलो लेके जाएंगे। चलो भाई दुकान के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ये देख लें भाई, दुकान भी बंद पड़ी है क्योंकि ना हम सारे लोग अपने अपने काम बिजी हैं, तो जिसने भी कुछ लेना होता है तो आ जाता है हमारे पास, यानी कि दरवाज़ा खटखटा के ना आ जाते हैं। वैसे बच्चे ही होते हैं, बड़ा होता ही कोई नहीं। अच्छा भाई जान अब इनको पता पुता कोई नहीं कि सीन क्या है, लेकिन आपको तो पता है ना। तो अभी यहाँ पे पिन मैंने रखी है बुक के अंदर, कहाँ गई ये देखो जी, ये पिन आई है गूगल एडसन की तरफ से, ये देखो। अच्छा भाई अभी ना इनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो अभी तो पहले इसको छुपाना पड़ेगा। कहाँ छुपाऊँ, इधर में नहीं, नहीं। छुप के बैठना ऐसे ऐसे। अच्छा भाई अभी इसको ना छुपा के इनको दिखाना है, सरप्राइज के तौर पर देना है। अम्मी जान काफ़ी टेंशन में थी कि यार पत्नी पिन क्यों नहीं आ रही, इतने दिन हो गए मेहनत जो कर रहे हैं हम लोग, तो आज भाई फाइनली आ गई है, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं पता। तो अभी चलो भाई इनको सरप्राइज देते हैं। हाँ भाई अम्मी जान भाई आज का क्या मूड शूड है, है? आज के भाई कुछ खाने में पीने का क्या मसला होगा? हाँ भाई आज कल भाई इन्होंने बनाया था सालन, तो आज फिर बनाएंगे? नहीं आज बस हो गई, बस नहीं आज कुछ मेरा दिल कर रहा है गुड़ वाले चावल खाने को, मीठा गुड़ वाले। हाँ। चलो भाई गुड़ वाले बना लेंगे। मीठे मीठे तो मैं क्या बोलूं, गुड़ वाली कोई और चीज बची? वो तो गुड़ ही हुआ ना, वो पत्तो हुई गुड़ वाला ना हलवा। हाँ अच्छा अच्छा भाई अम्मी जान काफी दिन हो गए हैं, साड़ी तक कोई तनख्वाह पेंशन ही नहीं आ रही, साड़ी तो बाजे बजे खलोते बाजे बजे माता ने बतरिया चौथा महीना है, छोदे बाल जड़े ना मेहनत कर कर के ओ आ दिन साड़ी पेन ना आवनी पता आवनी का। हां वेख ना मेहनत कर कर के छोदे सुक्की बैठी है, तीली यार हो गई ए वे। तो मैं वेखो सोख साड़ के किवे हो गई, कबूतर मारेंगे बात तो। लेकिन तुन भरोसा है भाई आ जासी, अल्लाह तो मीन थे ना। हाँ उम्मीद तो रखनी चाहिए ना, दुनिया कैम कैम में। हाँ ये देखें अल्लाह पाक सही, अल्लाह पाक पता नहीं कदनम से अल्लाह पाक ते मिसाल है, भरोसा सानू ते रोजी होने आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ कब आएगी, 4-5 महीने तो हो गए भाई, 4-5 महीने हो गए लेकिन अभी तक नहीं आया। तू पता तो करना है ना जड़े ओ अमदी डाक जिथे डाक तू डाक तू मैं पता कीता है लेकिन उन्ना आख्या है नहीं हजे सन को नहीं पता भाई, ये ना पतले गाल तो मैं ना सुनाई का अम्मी भाई अगे बहु अगे अम्मी जान बहु कावड़े होन पे ना आ नहीं रही, 4-5 महीने हो गए। हाँ। ते हुन अम्मी जान भी गल करीवे ते डाके दे सिर ते नकाशा मारनी ए तू लुकाई तो नहीं बैठा किदे नहीं आई तो छोड़े ते नहीं लुका रखनी ਪਰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੁਚੇ ਨੇ ਆਣਾ ਭਾਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਭਰਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਸ਼ੇ ਪਕਾਓ ਦੁੱਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਉਲਟਾ ਜਿੱਥੇ 50 ਦੀ ਸਦ ਨੂੰ ਤੇ 100 ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੰਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਸਤਨ ਕਰੇਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੈਕੇਜ ਉਤੋਂ ਲਵਾਵ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਿਆ ਸੀ 8000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। अम्मी जान भाई आप ना ज्यादा इमोशनल बातें कर रही हैं, तो अम्मी जान को थोड़ा सा खुश करते हैं। और जनाब देखो पेन आ गई तेरी खैर होए, ये कब की आई पड़ी है, कब की आई पड़ी है, परसों की आई पड़ी थी
ये देखो ये इतना है ना बात नहीं अभी बताता नहीं ये बातें हैं भाई, खुशी की बातें है ना, आराम से बताई जाती हैं। खुशी की बातें खुद के साथ खुश हो लेता हमें बताता। अब सुन ले मेरी दुआ, लाया 50-60 लाख रुपया। 50-60 तो भी ढेर आ गई है ना, तो सन 50-60 लाख की मेल वही थी। अल्लाह पाक दे सो दे खजाने की कोई शदी कमी। बाजी कोई पता बाजी याद। ये देखें भाई पिन हमारी आ गई है माशाल्लाह से। भाई हम हूं तक खुश हो। अच्छा भाई आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें ज्यादा सपोर्ट करें और हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। और बाजी का वाकर देखे ना, बाजी भी कल 2 दफा में गिर गई और इनको चोट भी लग गई है पांव पे। हाँ जी वो नीचे से ना उसकी सारी सपोर्टें खराब हो गई हैं। सब जो है आप लोग की सपोर्ट की वजह से हुआ है और हमें इतनी खुशी मिली है और हमें जान जो है आप उनकी खुशी। मैं भाई खुश हूं भैया, बिल्कुल सपोर्ट ना ना से अब तक आया नहीं तो नहीं ना माइंड से। हां जी जैसे अल्लाह पाक हर मिसाले कामयाब करे तो सानू और ही सपोर्ट की जरूरत है, सानू नहीं सपोर्ट कीता करो। बड़ी बड़ी मेहरबानी हो सी तुम्हारी, मैं नेरी दुआवां करेंदी होनी हां। ये बस वीडियो बंद हो रहे थे शायद यार की हाल बता। ये देखे भाई खुश भी हुए खड़े हैं और गुस्सा भी है इनको। गुस्सा इस पे है कि इसने बताया जी ने कहते परसों की आई हुई 2 दिन इसने। ए वेखो ना बे मैं किवें ढेढे रख के बदर यंगाल में है एडी खुशी दी गल मैंने बता ही नहीं इनको। नहीं गूठे नहीं ये तो ढेढे च मेरे तो गाल नहीं था दे देखी मैं था भाई गूठा है गूठे बंदे हो रो। नहीं नहीं भाई मैं ना एक तरह से आपको सरप्राइज देना था गिफ्ट के तौर पर। गूठे वाली गाल ना मेरे बच्चे छे ही कोई ना आमदी कोई ये मैं नहीं आती। अच्छा अच्छा क्यों नहीं तुम्हारा अब्बू बड़े हैं खुश मिजाज। हां ते मैं भी कदी नहीं गूठ पुणा रखे जेड़ी होंदी ना काट छुड़ी दी बा मैं कान अच्छी लगे ते बा बुरी लगे। हां ते बाद च मैं आदी नहीं बे गल ना ही करनी उठे मुड़ मैंने चलो आज गई मैं ते गूठे पे मेरे बच्चे नहीं ए मैं नहीं आदी ते अल्लाह शाला गूठ पुणा कहन ना देवे। अच्छा भाई अभी बाकी है भाई बाजी दे वाकर दे मसला, बाजी थोड़ा जी और मसला है मैंने बात च ला बणना मनदा छड़ा बात बहुत खराब है जो सानू तुसीं सपोर्ट करो जी। मैं बाजी नूं ना बात पहलू बनवा के देवां, मैं आखे अल्लाह पाक भाई मेरे बच्चे नूं कामयाब कर मैं पहलू बाजी दी चीज़ां तैयार करे सी। आमीन। हाँ जी ते उस तो बाद कोई होर सोच सी सा। अच्छा अभी भाई ना अम्मी जान का कुछ गुस्सा कम हुआ है नहीं तां इस तो डाके नूं डाके नूं मार घतना है। और मैं तो वन्या तो डाके छ दहे थोड़ा जी डैमेज दे होया लगा वन्या अल्लाह ना करे वो सारी वीडियो ही ना देख लवे। नहीं वो नहीं देखता भाई डाकिया वो बड़ा खराब सा है वो ना बताता कोई नहीं कि डाक आपकी आई पड़ी है। आई है सही गल। हाँ ये बता दूं भाई डाक उसके पास इतनी पड़ी थी ना कि पूछो ही मत। घंटा घंटा मुझे लगा ढूंढते ढूंढते ढूंढते, कभी वो किसी कोने से निकाल के आ रहा है ये 5-4 पैन आई थू वेख कदी कह कोने कड्डी आंदा। मैं तो बड़ा तंग हो गया ते जेल में आया कि मैं पता तो कर। हाँ मैं जो जेल में आया कि यार 4-5 माह हो गए तो पता तो करे ना तो अगर ना हाँ। करते तो ये तो वापस चले जाने थे। नहीं नहीं वो कह रहा था मैं वापस नहीं भेजता। अच्छा तो भाई मेहरबानी मोर तो डैमेज शैमेज ना आखिए। अच्छा जब मैं थक गया ना मेरी बस हो गई तो मैंने कहा कि चल भाई चाचा मैं लगता पे कार्ड साडा कोई नहीं आया यानी कि आया पेन ते मैं जाना उस आखे नहीं एक चुंड होर ही रह गए। मैं आखे लाया चलो ओई वेख ले। अच्छा तो वो वहां से उठा कर ले आया और वहां से ना ये मुझे मिल गई पिन आखिरकार। अल्लाह पाक दा बस इतना शुक्र करिए उतना काम ने। हां जी हां जी भाई शुक्र है अल्लाह मेरे बच्चे नु कामयाब कीता है ते मैं मोड़ा दी पई हां तुम्हारी सपोर्ट नाल ना सामी साले थोड़ा कामयाब होया और तुम्हारी सपोर्ट ना सी और कामयाब सा। हां जी हां जी बस आपने भाई सपोर्ट करते रहना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लें तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो अब इतनी खुशी की बात है तो कुछ मीठा तो बनता है लेकिन जो हमसे अफोर्ड होता है ना यानी कि जितना हम कर पाते हैं तो वो बंदा करता है। ये देख रहे हैं भाई माल्टे लेकर आए हैं लेकिन ये मामू जान मिले मुझे तो उनको मैंने बताया कि हमारे भाई पेन आ गई है। उन आके केड़ी पेन मैं आके पेन मतलब आ गए पे 4-5 लाख डी वम सी साल डेढ़ बार। उन आके चलो मोन ठीक है खुश हो गए। तो फिर रेडी वाला खड़ा था बाहर कह रहे ये मीठा
मीठा होता है भाई, ये मिठाई से बेहतर है बंदे की जान तो बनती है। मैंने तो अभी अनार खाया, इसने पहले मीठा खा लिया। तो मामू जान है ना ले कर दिए रेडी वाले से, बड़ी खुशी हुई है। चलो कुछ तो मीठा मिल गया हमें, तो बस आपने भाई दुआ लाजमी से करनी। मामू तो इन लेके देते हैं, चलो मामू खुश हो गया भाई, मसाले तो सिखा वो है। हां जी हां, तो जी मैं आदा पिया ना अभी तो मिठाई तो बेहतर है, मिठाई तो तलखी बड़ी ला दे दी, तो पैसे ज्यादा लग दे, पैसे थोड़े लगे तो बंदे दी मसाले फायदा ही हो गया। दोनों काम हो गए मेहरबानी भाई। चलो भाई हम तो इसको खाते हैं और अपनी खुशी को एंजॉय करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खुश हुए होंगे। तो भाई लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।